अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त ज़ाहिद मंसूर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद एम एस 18। तो अगर आप थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, आपको उर्दू पढ़ना सही तरह से नहीं आता, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी सेटिंग लाया हूँ जो आप अपने फ़ोन में बिना किसी डेटा चार्जेस के या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए ही बिना आप इंग्लिश सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, उर्दू भी पढ़ सकते हैं अगर आपको उर्दू पढ़ना सही तरह से नहीं आता। तो सबसे पहले जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाऊंगा मैं। नीचे जाने के बाद सबसे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मोर सेटिंग का, तो मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ये जो सारे दिख रहे हैं आपको इनको लेफ्ट करना है। यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको असेसबिलिटी का ऑप्शन नज़र आएगा। असेसबिलिटी का ऑप्शन नज़र आने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ ढूंढना है सेलेक्ट टू स्पीक। सेलेक्ट टू स्पीक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो पहले तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। इसका तरीका मैं आपको फुल समझा दूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अगर आपके पास ऑफ़ है तो आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यह कुछ परमिशन आपसे मांगेगा तो आपने अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद ये छोटा सा निशान आदमी का यहाँ साइड पर नीचे आपको दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जादू इस तरह से होगा कि आपने ये वाली लाइन जो है आपको पढ़ना नहीं आती, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको हाथ हटाएंगे तो ये पढ़ना शुरू हो जाएगी। On, you can tap specific items in your screen to hear them read aloud. Start select to speak. Then you can tap it. तो इस तरह से आप अगर कोई चीज़ आपको पढ़ना नहीं आती इंग्लिश में, उर्दू में या किसी और ज़बान में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है जो इसकी सेटिंग है इस पर आपको यकीन ना आए, तो मैं अभी व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। लॉक ओपन किया। लॉक ओपन करने के बाद मैं दोबारा से इस आदमी के निशान पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो लाइन जो है इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं ये उर्दू है तो उर्दू को भी अच्छी तरह से पढ़ लेगी। चाय की तलब जगा देती है वरना मैं इतवार को खूब सोना चाहता हूँ। 8:37। उसके बाद ये दूसरा वाला है जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। चाय के इतने मतलब भी न हो, निशे में ये भूल गए कि आज जुमा है। 8:39। तो इस तरह से आप अपने मतलब जो चीज़ आपको पढ़ना नहीं आती तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब जो जिस तरह की उर्दू ज़बान हो, इंग्लिश हो, चाहे कोई भी ज़बान हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरह से होगा ये सीन। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। Yeah.